Hi everyone and welcome to yet another recipe from Little Tummy and I'm your host Meenka. Well, आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके साथ सुबह का नाश्ता. जी हाँ, इट्स मॉर्निंग टाइम एंड आई फील हाई प्रोटीन डाइट हर किसी को पसंद है, अपनी बोन्स के लिए, अपनी हेल्दी लाइफ के लिए. Well, आज बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए और इनफैक्ट बड़ों के लिए भी हाई प्रोटीन मफिन ब्रेकफास्ट. बोला अगर नाम हाई प्रोटीन है तो डेफिनेटली इसमें कंटेंट भी हाई प्रोटीन ही होगा. पर इसमें कोई मैदा नहीं है, इसमें आटा नहीं है, ओट्स नहीं है, ना ही आमंड फ्लावर है. आज बना रही हूँ मैं छोलों से आपका ये भरपूर ब्रेकफास्ट. जी हाँ, चिकपीस को यूज़ करके बना रही हूँ मैं आज का मफिन और इसे टेस्ट करके आप बिलीव नहीं करेंगे कि आप एक्चुअली में हेल्दी मफिन्स खा रहे हैं. तो जॉइन मी ऑन दिस रेसिपी नाउ. तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं कोई फ्लावर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ अपने मफिन्स के लिए, और एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये उबले हुए चिकपीस. इसे रात को मैंने भिगो के रख दिए थे और सुबह बहुत ही कम देर के लिए इसे मैंने बॉयल किया है, क्योंकि मुझे इसे मिक्सी में ग्राइंड भी करना है. सो इट्स कम्प्लीटली ग्लूटेन फ्री. 3 अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पर है. दिस इज़ पीनट बटर. दिस ऑलमोस्ट हाफ कप ऑफ पीनट बटर, वनीला एसेंस, कुछ चॉप्ड वॉलनट, हनी फॉर द स्वीटनेस. अगर आप मेपल सिरप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मेपल सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये शुगरलेस मफिन्स हैं. सॉल्ट एंड ऑलमोस्ट 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मैंने ले लिया एक जार जिसमें मैं डालूंगी अपने इन्ग्रीडियंट्स. तो मैं ड्रॉप कर रही हूँ ऑलमोस्ट 1 कप ऑफ बॉइल्ड चिकपीस. इसमें मैं डालूंगी धीरे धीरे करके अंडे. ये 3 अंडे हैं, तो लेट मी ड्रॉप 1 to 2 टाइम्स एट वन टाइम. और उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा पहले ग्राइंड कर लूंगी ताकि ये पेस्ट बन जाए, और उसके बाद मैं फर्दर ऐड करूंगी अपने अंडे. जैसे ही थोड़े से हल्के से मशी हो जाए और अंडे के साथ थोड़ा सा कंबाइन हो जाए, तो बचा हुआ 1 अंडा भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसे एक बार फिर से ग्राइंड करूंगी ताकि ये पूरी तरह से पेस्ट में कन्वर्ट हो जाए. अब डाल रही हूँ मैं इसमें बाकी बचे हुए इंग्रेडिएंट्स. ये है ऑलमोस्ट चुटकी भर नमक, थोड़ा हाफ अ टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस. इसमें मैं डाल रही हूँ ऑलमोस्ट हाफ अ कप ऑफ पीनट बटर. इसे भी मैंने रूम टेम्परेचर में रख दिया था. ये ऑप्शनल है. अगर आपके पास पीनट बटर नहीं है तो आप एक बनाना का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. और मैं डाल रही हूँ इसमें ऑलमोस्ट हाफ अ कप ऑफ हनी, और हनी का सब्स्टिट्यूट है मेपल सिरप. तो वाइट शुगर का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है इसमें. तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर. तो इसमें कोई ऑयल या बटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है. इसे देते हैं हम एक और ग्राइंड और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं. अब आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा क्रीमी हो चुका है क्योंकि मैंने इसमें पीनट बटर का इस्तेमाल किया है. तो इतना क्रीमी मिक्सचर होना चाहिए. अब मैं डाल रही हूँ इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए कुछ चॉप्ड वॉलनट्स, ये ऑप्शनल है. और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ चॉको चिप्स बच्चों के लिए फॉर दैट एक्स्ट्रा स्वीटनेस. इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे. और अब हम करते हैं अपनी पोरिंग का काम. और मैंने अपने छोटे छोटे कपकेक्स को ग्रीस कर दिया है. चलिए इसमें पोर करते हैं. अब मैंने अपने ग्रीस्ड कपकेक्स को फिल करना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे सभी कपकेक्स को आप फिल कर दीजिए. ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास घर में कोई फ्लावर नहीं है या आप फ्लावरलेस मफिन्स या केक्स बनाना चाहते हैं. और चिकपीस हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने घर में सब्जी बनाने के लिए. यू कैन रिप्लेस दिस चिकपीस विद चिकपी फ्लावर ऑल्सो.
whatever is available with you. So it tastes as yum as with your normal flour. तो इनको मैंने भर दिया है और 180 डिग्री सेल्सियस पे मैंने अपने ओवन को बेक करने के लिए रख दिया है. जस्ट टैप देम टू रिलीज दैट एक्स्ट्रा एयर बबल. और इसके बाद रखते हैं हम अपने ओवन में ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक ये पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए. मैंने ऊपर से डेकोरेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा चॉको चिप्स का इस्तेमाल किया है. उसके अलावा आप बच्चों के लिए थोड़ा सा और डेकोरेटिव बना सकते हैं इसे. सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स एंड आई हैव स्टॉप्ड माय ओवन और एकदम गोल्डन क्रस्ट कपकेक्स बन गए हैं. अब इसे ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं. उसके बाद मैं इसे निकालूंगी इसके मोल्ड से और अपने सर्विंग प्लेट पर. सो आर मफिन्स आर कम्प्लीटली बेक्ड और मैंने इन्हें अरेंज कर दिया है एक प्लेट पे. और आप देख सकते हैं कि नॉर्मल फ्लावर और फ्लावरलेस मफिन ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं. लेट मी जस्ट टेल यू हाउ दे लुक फ्रॉम इनसाइड एंड इफ यू कैन सी दे आर ऑलमोस्ट डन एंड दे आर वेरी फ्लफी. सो गाइज इन्जॉय दिस रेसिपी एंड डू मेक इट एट होम. इट विल बी सिंपली ऑसम. और आप इसे कभी भी इंजॉय कर सकते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या इवनिंग में. और इसे कमेंट ज़रूर करिए कि आपके घर में ये कैसा बना. और मेरे नेक्स्ट रेसिपी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें. और बी अपडेटेड. हैव अ हेल्दी ईटिंग एंड बाय बाय.